वैसे 150 का डाल देना पेट्रोल, 196 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। टिक्की वगैरह खोले फटाफट। दिख रहा वो बड़ी तेजी से जा रहा है पेट्रोल का शो। मर गया दी। चलो यार आज दोबारा राइड पे निकले हैं, वो भी काफ़ी समय के बाद, ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है। ठीक है, राइड शुरू नहीं करी थी, मैं कहा चलो यार राइड शुरू करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको। और सर्दी भी ऑलमोस्ट चली गई है, थोड़ी सी सुबह सुबह की ठंडक है। ठीक है, और मैं कहा चलो यार आपको दिखाते हैं आज। ओहो यहाँ तो जाम लग रहा है। और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल राम राम भाई, वो एलिफेंट के देव चल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पे जाम लग गया, दोबारा वापस ही मोड़नी पड़ेगी यहाँ से, एक ट्रक तो वगैरह वापस ही मोड़ लेते हैं, यहाँ खड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। वापस यू टर्न ले लिया हमने। यार पीछे मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रहा था, हमारे इधर थोड़ा बिल्डिंग में ना थोड़ा काम चल रहा था, तो पार्किंग में थोड़ा काम है अभी, तो अभी थोड़ा छत का भी काम रह गया, तो इस वजह से ना व्लॉग डाल नहीं पा रहा था मैं। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा घर शिफ्टिंग भी कर रहे थे, तो वहाँ भी थोड़ा टाइम लग गया। लास्ट वीडियो मैंने जनवरी की डाली है, उसके बाद कोई वीडियो डाली नहीं है मैंने। ठीक है ना, अब ये फरवरी भी गया, मार्च अब स्टार्टिंग हो चुका है, तो इसी चक्कर में थोड़ा बिजी चल रहा था, व्लॉग नहीं बना पा रहा था। आने वाले समय में आपको थोड़ा कोशिश करूँगा कि जल्दी रहेगा, कि जल्दी जल्दी अपडेट दूँ आपको। थोड़ा ना बहुत ज़्यादा पजल हुआ और था माइंड कि क्या करें क्या ना करें, हो सकता है थोड़ा ना माइंड बहुत ज़्यादा वो हुआ था, डिस्टर्ब हुआ बड़ा बस, उसी चक्कर में हम व्लॉग बना नहीं पा रहे थे। ऊपर से हमारा थोड़ा बेबी भी थोड़ा परेशान चल रहा है, वहाँ भी थोड़ा एक्टिव हो चुका है, उसने भी थोड़े दाद दूध रखे हुए हैं, तो चिड़चिड़ा हुआ पड़ा। उस वजह से मेरा भी फिर मन नहीं कर रहा था, मैं क्या व्लॉग बनाऊँ यार, इस वजह से ना थोड़ा मैं अवॉइड ही कर रहा था। कोई नहीं, आने वाले समय में अवॉइड नहीं करेंगे इसको, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। और यार जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लो, जो भी वीडियो अपलोड करो उससे आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, बस सपोर्ट चाहिए आप सबका, लगता है वीडियो बनाना आसान है लेकिन आसान नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कभी कॉपीराइट क्लेम आया था, कभी कुछ मेरी कई सारी वीडियोस पे तो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, तो सारे बीच में मैंने धीरे धीरे करके क्लेम हटाए हैं अपने, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में, करने में, मैनेज करने में। कोई नहीं, देखते हैं बाकी करते हैं, आने वाले समय में जल्दी जल्दी अपडेट देंगे। और वैसे भी अब थोड़ा ना मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू हो चुका है, विंटर तो हो गया, समर चालू होने हो गया, बट ये है कि राइडिंग करने में मज़ा बड़ा आता है। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे ट्रैफिक भी होना शुरू हो जाएगा, अब होली भी आने वाली है, अब होली के बाद ही जो होगा सबको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि होली का भी व्लॉग डालें, जो भी घर में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी दिखाएंगे आपको, क्या क्या स्पेशल बनेगा क्या क्या नहीं दिखाते हैं, अगर इस बार हुआ टाइम मिला तो देखेंगे कुछ बनाते हैं स्पेशल दिखाएंगे आपको भी। चलो यार हम बाहर मेन रोड पर पहुँच गए हैं, ओए होए गट्टा गट्टा गट्टा, भाई लोगों यार वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि थोड़ा ना मोटिवेशन मिलती है
कि हाँ यार आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, यहाँ से ना एक मिलता है कि हाँ मुझे थोड़ा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बस ये एक होता कुछ नहीं है, देखो एक प्यार मोहब्बत वाली बात है कि हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़े, फैमिली हमारी ग्रो करे। ठीक है, बस एक प्यार मोहब्बत एक रिलेशन है, इस बात को आप समझना अच्छे से। ठीक है, देखो पॉजिटिव थिंकिंग लोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, बट ये है कि हम भी कहते हैं यार चलो यार अच्छे से हमारे फैमिली जुड़े। ठीक है, तो आगे आपको नॉलेज शेयर किया करेंगे। अभी मेरी स्कूटी भी चला रहे हैं, देख रहे हो, अब बाइक में भी अभी काम पड़ा हुआ है, तो बाइक में भी टाइम मिल नहीं पा रहा कि आम निकाल के बनाऊँ थोड़ा सा। बाइक में भी इतना काम पेंडिंग है, वॉशिंग वाली भी पड़ी है, सर्विस कराने वाला है, इतना काम पेंडिंग पड़ा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कभी कहीं पे भी जो है, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। काम वैसे है कुछ नहीं, छोटे छोटे काम ही हैं, बट कई बार होता ना बंदा फंस जाता है। अब ये स्कूटी में भी अभी सर्विस पेंडिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंजन ऑयल चेंज, इसमें भी ये सर्विस पेंडिंग दिखा रहा है, कोई नहीं इसको भी बीच में कराएंगे अभी। ये तो सही क्या, थोड़ा ट्रैफिक नियर रोड पर, वरना तो इस रोड पे तो ट्रैफिक इतना होता है। अभी तो पहले हम जाएंगे डॉक्टर के पास, हमारा जान पहचान वाला डॉक्टर है, डॉक्टर क्या भाई बंधु ही है, बट रिलेशन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उन्हीं के पास जा रहे हैं अभी। तो वाइफ को थोड़ी कान में प्रॉब्लम हो रही है, पेन कर रहा है कान में, एक्चुअली क्या आगे कफ वगैरह बीच में इतना फैला हुआ था, कोल्ड फीवर वगैरह इतना कफ फैला हुआ था, इससे ना वो टॉन्सिल्स ना थोड़े वो हो गए हैं, स्वेल हो गए हैं, ऐसे जिससे ना कान में ईयर में ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है वो, और अभी मेडिसिन लेने जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा पेट्रोल भरवाएंगे स्कूटी के अंदर। चलो बाकी उधर पहुँच के आपसे बातचीत करते हैं, अपने वो डॉक्टर से भी मिलवाते हैं। ये देखो जी हमारे डॉक्टर साहब लग रहे हैं कान चेक कर रहे हैं, देख रहे हो, अगर किसी ने भी दवाई वगैरह कुछ लेना हो, कान चेक कराना, तो इनके इनके पास आ जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, शुभम गोयल नाम है, उत्तर नगर कौन सी रोड पड़ती है डॉक्टर, मानस कुछ रोड है जी, देख लो पहचान लो इनको अच्छे से। ये देखो जी ये दवाई दी अभी, आँख और कान नाक दोनों में सबने काम आ रही है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैंने भी दवाई दिया, हर बार फर्क पड़ गया भाई, सही बता रहा हूँ, दवाइयाँ काफ़ी अच्छी देते हैं, दवाई थोड़ी महंगी है बट आराम पड़ जाता है। क्यों डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब तो अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं, हम तो पेशेंट है ना। देखो जी अभी अभी डाल रहे हैं, ठीक है ना, एक बार आई करता हूँ हमारे सब्सक्राइबर को। चलो यार डॉक्टर साहब की दुकान से भी निकल गए हैं, दवाई दवाई ले ली है, तो अब हम जा रहे हैं स्कूटी के अंदर पेट्रोल भरवाने, एक डंडा शो कर रहा है इसमें भी, थोड़ा पेट्रोल पेट्रोल भरवा लें, रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी पेट्रोल के मामले में, बाकी अभी पेट्रोल भरवाते हैं आगे। चलो यार यहाँ से हम फटाफट निकलें उत्तर नगर मार्केट से, चलो जी। चलो यार फाइनली हम बाहर मेन रोड पे पहुँच गए हैं, यहाँ तो हो रही है 32, यहाँ से ले अब, यहाँ से लेंगे अब हम राइट, तो जी अभी तो इधर हो रही है 32, एक मिनट की 32 है पूरी।
गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और ऊपर से वैसे ही मैंने ब्लैक ये डाली हुई है स्वेटशर्ट, ब्लैक ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है हीट को। फोर्टी फोर, चलो जी 40 सेकंड रह गए हैं। ग्रीन हो गया फटाफट, सब पेट्रोल भराते हैं। फिर बत्ती हो रही है, ट्रैफिक में फंस गया जी, इधर लेना पड़ेगा। ये तो सारे मुंडे वाले इधर खड़े हैं जिन्होंने राइट साइड पे जाना है। यहाँ से जो हमने टिक्की और गोलगप्पे लिए हैं, यहाँ पे हमारी मैडम जी वही बंदे खा रही है, हाँ 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 खाना खा लो, मज़ा आ रहा है खाने में। चलो यार यहाँ से भी हमने गोलगप्पे भी पैक करवा लिए हैं, ठीक है पेट्रोल भरवाएंगे विकासपुरी से, निकल रहे हैं हम यहाँ से। गर्मी बढ़ती जा रही है दिन बर दिन, अभी तो हमने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग पी के थोड़ी एनर्जी आ गई है। चलो यार यहाँ से निकलते हैं फटाफट, ठीक है ना, पेट्रोल भरवाते हैं हम। तो यार यहाँ से हम निकल चुके हैं, फटाफट पेट्रोल वगैरह भरवाएं। अरे भाई हाँ से अभी हम भरवाते हैं, पाँच मिनट अभी वहाँ पे खड़े हुए थे यार, इतनी गर्मी लग रही थी ना। चलो यार सर्दी गई है, गर्मी का मज़ा आया, लेकिन अब 7-8 महीने अब गर्मी के जो बिताने हैं उसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी। जब सर्दी होती है तब कहते हैं यार गर्मी आ जाए, ठीक है, जब गर्मी हो जाती है तो कहते हैं यार सर्दी आ जाए। मतलब ना ये जो दिल्ली का जो वेदर है ना, इसमें बंदा ना कोई सेटिस्फाई नहीं है, इसमें एक जैसा वेदर नहीं है। ऊपर से बीच में भी मौसम इतना ख़राब हो गया था, खांसी जुकाम वगैरह इतना गंदे वाला फैला हुआ था, मैं कहा नहीं यार ये गलत चीज़ है, अभी थोड़ा अभी अवेयर होकर चलना पड़ रहा है। थोड़ा अभी गर्मी तो लग रही है ये कपड़ों में, क्या करें, क्योंकि अभी हम एकदम से भी नहीं उतार सकते ना, क्योंकि कोई सर्द गर्म हो जाएगा कोई फायदा नहीं, खांसी जुकाम। हम घास पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से फटाफट पेट्रोल भरवा ले भैया। और यार जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग नहीं देखे, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पहले ये व्लॉग बनाए हुए, आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। चलो जी पेट्रोल पंप भी आ गया, देखते हैं अभी भीड़ कितनी है। यहाँ तो भीड़ तो हमेशा ही रहती है, कोई नहीं भरवा लेंगे, यहाँ तो पेट्रोल खड़ा हुआ है, पेट्रोल का पेट्रोल भर रहे होंगे टैंकरों में, हम लोग उस से ले लेंगे, डिक्की के पीछे लगा लेते हैं जी।
गया भाई 96 रुपये लीटर, वहाँ पहले 110 रुपये तक पहुँचा हुआ था। सही है, थोड़ा कम हो गया, बढ़िया है यार। ये जनरेटर ना नॉइज कर रहा, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। वैसे 150 का डाल देना पेट्रोल, 96 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। डिक्की वगैरह खोले फटाफट, वो बढ़ती थी ज़्यादा बेट को ठोक कर मर गया थी। चलो जी, 4 डंडे हो गए हैं इसमें, टोल के 4 डंडे उठ गए हैं। चलो यहाँ से अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, जो जो काम था हमने सारा निपटा लिया। क्या ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे रिलायंस डिजिटल मॉल है, ये बहुत अच्छा मॉल है। मैंने एक बार विजिट की थी यहाँ पे, मैंने जब से बना ना एक ही बार विजिट किया यहाँ पे, मैंने जन्म में विजिट की थी इसमें, वो भी फर्स्ट टाइम विजिट की थी। बहुत अच्छा बना हुआ ये, कभी आओ तो ये ले मॉल जरूर हो गया ना। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके घर का सारा राशन पानी सब मिलेगा यहाँ पे। चलो यार, ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लो। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।